देश की जनता इस बार चुनाव लड़ी है और जनता जो ये निर्धारित कर देगी, ये फैसला कर देगी जनता। सामने वालों को इतनी परेशानी क्यों है? ये आप ब्लॉक का सवाल है। देखिए, भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को, हम लोगों का जो अलायंस पहले का भी होता है और अलायंस पोस्ट भी होता है, बाद का भी होता है। तो अभी कौन सी देरी हुई है? जो अपोजिशन में लोग हैं वो एक गुट एकजुटी हैं। इंडिया गठबंधन की मुंबई में शनिवार को विशाल रैली चल रही थी। इसी बीच टीएमसी सांसद और शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने इंडिया गठबंधन के साथ टीएमसी के जुड़ने को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात की संभावना जताई है कि पहले न सही चुनाव के बाद भी तो गठबंधन होते हैं, मुमकिन है कि टीएमसी चुनाव बाद इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाए। यानी शत्रुघ्न सिन्हा को पुख्ता यकीन है कि इंडिया गठबंधन से जो पार्टियां चुनाव के पहले टूट रही हैं, मुमकिन है वो सभी चुनाव नतीजों के बाद एकजुट हो जाए। इंडिया ब्लॉक का सवाल है। देखिए, भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को, हम लोगों का जो अलायंस पहले का भी होता है और अलायंस पोस्ट भी होता है, बात का भी होता है। तो अभी कौन सी देरी हुई है? जो अपोजिशन में लोग हैं वो एक गुट एकजुटी हैं। अगर अलायंस में अभी नहीं दिख रहे हैं तो इंशाअल्लाह प्रभु की ऐसी मनोकंपा से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से वो चुनाव के बाद हो जाए। यानी पश्चिम बंगाल में टीएमसी, उत्तर प्रदेश में आरएलडी और तमाम दूसरे प्रदेशों के क्षेत्रीय दल। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें वो इंडिया गठबंधन के चेहरे को लेकर सवाल उठाती रही है। बीजेपी को शाइनिंग इंडिया की भी याद दिलाई और इस बात की भविष्यवाणी कर दी कि 2024 में 2004 रिपीट होने वाला है। हमें लग रहा इस बार कहीं 2004 रिपीट ना हो जाए इस चुनाव में। 4 जून को 2004 रिपीट हो जाएगा। 20 साल हो रहे हैं, 20 साल के बाद जबरदस्त परिवर्तन होगा। उस सरकार में मैं भी था जब चुनाव लड़ा था और वहां पे माननीय प्रधानमंत्री, देश के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और कितना अच्छा कर रहे थे और उससे ज्यादा कितना अच्छा प्रचार हो रहा था, कितना अच्छा प्रचार हुआ था, इंडिया शाइनिंग वगैरह सब हुआ था। उसके बावजूद 2004 रिपीट हो गया, 2004 आ गया और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। पहले किसी को नहीं पता था प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो अनाउंस नहीं हुआ था। कई बार स्ट्रेटेजिक रीजन से अनाउंस किया जाता है और कई बार नहीं किया जाता है। नहीं किया गया इस बार तो समझ ले अच्छा है, देश की जनता इस बार चुनाव लड़ी और जनता जो ये निर्धारित कर देगी, ये फैसला कर देगी जनता। सामने वालों को इतनी परेशानी क्यों है? काय को? अरे उन्होंने तो अभी नाम अनाउंस नहीं किया, आपने भी तो कई बार कई जगह नाम अनाउंस नहीं किया था, आपकी एक नीति थी, आपका पॉलिसी थी। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने सूबे की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है।